So hello everyone, my name is Satyan Sarvastu and I run a social media marketing agency based in Mumbai. So aaj ki is video mein hum baat karne wale hain how to start a social media marketing agency and this is the third part of the video. So agar aapne already do video nahi dekha hai to jaake aap wo video dekh lo taki aapko ye video jaake zyada samajh mein aaye. So ye part third hone wala hai video ka. Hum log already do topic pe discuss kar chuke hain that how what services do you want to give, picking up a service before starting SMMA and then service pick karne ke baad which industry do you want to serve, I mean the picking up the niche. So ye do part hum logo ne already cover kar liya hai, jaake wo video dekh lena taki hum log ye थर्ड पार्ट की वीडियोस आपको ज्यादा समझ में आए. सो अगर आप मैं बात करूं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी कैसे स्टार्ट करनी है, तो अगर आपने अपना सर्विस पिक कर लिया है, नीच पिक कर लिया है कि किस इंडस्ट्री को कौन सी सर्विस आप देने वाले हो, तो अब आता है नंबर थर्ड कि अब आपको आउटरीच करना है. अब आउटरीच आपको कैसे करना है, किनको करना है, कहाँ पे करना है, उस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के बारे में वीडियोस आते रहते हैं. अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, इट्स सत्यांश श्रीवास्तव. ओके, सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. पार्ट थर्ड, वेयर विल यू फाइंड देम, आई मीन आउटरीच. अगर आपने एक सर्विस पिक कर लिया, इंडस्ट्री पिक कर ली, सो अब आपको सबसे पहले ये करना है कि अब आप वो क्लाइंट्स को कहाँ पे ढूंढोगे. सिंपल सी बात है कि आपका क्लाइंट जहाँ पे होगा आप वहां पे ढूंढोगे. ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसी इंडस्ट्री सिलेक्ट की और आपका आउटरीच मेथड एक ऐसा है जो दोनों मैच ही नहीं करता, वो क्लाइंट्स तक वो मैसेज पहुंच ही नहीं रहा है. सो दे वोंट बी एबल टू फाइंड यू आउट. अब बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू आप आउटरीच कर सकते हो, कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स है आउटरीच करने के. बट आपके लिए क्या काम करता है, आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से क्या काम करता है, आपके क्लाइंट्स कहाँ पे होंगे, आपको वो ढूंढना है. सो अगर आपने कोई भी सर्विस पिक कर लिया, अगर इंडस्ट्री पिक कर लिया, तो मैं अपना भी बताता हूँ कि हम लोग आउटरीच कैसे करते हैं. हमारे लिए सबसे अच्छा बेस्ट काम करता है वो है कोल्ड कॉलिंग. कोल्ड कॉलिंग, अब कोल्ड कॉलिंग क्यों काम करता है ये भी मैं बता देता हूँ. जैसे मेरी इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, F&B इंडस्ट्री, मैं इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ और यहाँ पे मेरे सारे क्लाइंट्स हैं. अब ये लोग जो है यहाँ के जो डिसीजन मेकर्स है, इधर दे आर द ओनर्स और इधर दे आर द मैनेजर्स. अब वो लोग ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे नहीं देते हैं, आई मीन क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 40 काम रहता है. उनको स्टाफ देखना है, उनको अपने ऑपरेशन देखना है, उनको अपने इन्वेंट्री देखनी है, उनको कस्टमर मैनेजमेंट करना है, ये सारे काम उनके पास रहते हैं. तो इसके कारण वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं. वो डेफिनेटली वो चेक जरूर करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं आउटरीच करूँ तो मेरे को तुरंत रिप्लाई आएगा, या फिर वो मेरा, हो सकता है वो मेरा मैसेज कभी देखे भी नहीं या मैसेज काफ़ी दिनों के बाद देखे. सो वो इफेक्टिव वे नहीं होता अगर मैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू आउटरीच करता हूँ. तो मेरे लिए जो बेस्ट काम करता है, और वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है, अगर आप लोकल इंडस्ट्री में काम करते हो, लोकल नीचेस में काम करते हो, तो कोल्ड कॉलिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव वे एंड बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी ताकि आप क्लाइंट्स ढूंढ सको. अब ये कोल्ड कॉलिंग काम कैसे करता है, जैसे सिंपल से बात है कि अगर मेरे को कोई लाउंजेस दिखा या बार दिखा या रेस्टोरेंट दिखा या रिजॉर्ट दिखा, जो भी है, हम लोग मेक श्योर दैट कि मेरी टीम वहाँ पे कॉल करती है. कॉल करके पहले तो सबसे पहले कॉल करने के पहले वो क्वालिफाई करते हैं कि आर दे एबल टू, यू नो, आर दे राइट कस्टमर फॉर अस और नॉट, वो कस्टमर सही है कि नहीं, या उनको हम आउटरीच करते तो वो क्लियर होता है कि नहीं, आई मीन वो सही है कि नहीं. सो हम सिंपल सी बात है कि पहले कंफर्म करते हैं कि इस क्लाइंट इज गुड एंड वी कैन आउटरीच देम. उसके बाद सेकंड चीज आता है कोल्ड कॉलिंग. कोल्ड कॉलिंग में हमारा एजेंडा साफ होता है कि हमको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है वहाँ पे, हमको सिर्फ और सिर्फ कोल्ड कॉलिंग के थ्रू अपॉइंटमेंट सेट करना है. अगर एक बार अपॉइंटमेंट सेट हो गया तो फिर सेल्स टीम का जो सेल्स पर्सन या फिर मैं विजिट करता हूँ और उन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं. पहले ये जो चीज़ें होती थी, पहले ये ऑनलाइन होती थी, आई मीन हम लोग जूम मीटिंग्स पे क्लाइंट्स को बुलाते थे या गूगल मीट्स को बुलाते थे, वहाँ पे डिस्कस होता था. बट अभी ये चीज़ें धीरे धीरे, आई मीन प्री कोविड, अभी जब से सिचुएशन नॉर्मल हुआ है, मोस्टली क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं कि अब हम वन ऑन वन मिले ताकि ज़्यादा ज़्यादा बातें हो सके और एक दूसरे को ज़्यादा समझ सके, तो ऐसा इफेक्टिव होता है. तो कोल्ड कॉलिंग के थ्रू हमारे लिए ये बेस्ट काम कर रहा है. आप कॉल करो क्लाइंट्स को, कॉल करके आप मीटिंग शेड्यूल करो, मीटिंग शेड्यूल करने के बाद आप जाके मिलो. अब आप ऑनलाइन मिलना है, आपको ऑफलाइन मिलना है, बट ये ज़्यादा काम करेगा अगर आप जाके मिलते हो तो. और फिर जाके आप अपना प्रोडक्ट के बारे में बताओ, आप अपने सर्विसेज के बारे में बताओ, उससे क्या उनको बेनिफिट होने वाला है ये बताओ. एंड डेफिनेटली वहाँ पे जितने भी हम लोग क्लाइंट्स विजिट करते हैं वहाँ पे क्लोजर के चांसेस ऑलमोस्ट 30-40% रहते हैं इस वे के थ्रू. अब कोल्ड कॉलिंग में क्या होता है कि दिन में काफ़ी कॉल्स करने होते हैं, अगर हम काफ़ी कॉल्स करते हैं, बट कोल्ड कॉलिंग में ये है कि तुरंत आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, यू हैव टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फॉलोअप्स. हम एक बार कोल्ड कॉल करते हैं, कोल्ड कॉल करने के बाद
क्योंकि क्लाइंट्स को पता नहीं है कि वो कॉल एक्सपेक्ट नहीं करते रहते, कॉल एक्सपेक्ट नहीं करते तो अचानक से कॉल आता है, मे बी वो कभी बिजी है या नहीं बाहर है या उस आई मीन उस टाइम उस पोजिशन में नहीं कि बात कर सके, तो वो सब फॉलोअप में जाता है। फॉलोअप जाने के बाद क्लाइंट्स के साथ हम कंटिन्यू फॉलोअप करते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं क्लाइंट्स की जो दो दो तीन तीन महीने के बाद एक एक साल के बाद मीटिंग देते हैं, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटीज। ओके, सो कोल्ड कॉल आपके लिए अच्छा काम करेगा। अगर मैं सेकेंड मेथड पे आया हूँ तो वो है सोशल मीडिया आउटरीच। अब सोशल मीडिया आउटरीच कैसे करते हैं हम, सोशल मीडिया आउटरीच आप कैसे कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के थ्रू। अगर आपको क्लाइंट्स का पेज पता है, इंस्टाग्राम पे पेज पता है, फेसबुक पे पेज पता है, अगर आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हो कि इसके ओनर कौन है या इसके मैनेजर कौन है बाई जस्ट चेकिंग कि वो किसको किसको फॉलो करते हैं या उनके कॉन्टेंट कौन कौन लाइक करता है या उनके कॉन्टेंट पे कौन कौन कमेंट करता है, कुछ प्रोसेस होते हैं जहां से आप फिगर आउट कर सकते हो कि ये मैनेजर ये होंगे या ओनर ये होंगे। अब आप उनको डायरेक्टली वहां पे डीएम कर सकते हो सोशल मीडिया पे, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करता है, मीन इंस्टाग्राम यूज करते हो या फेसबुक यूज करते हो, आप वहां पे उन क्लाइंट्स को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, बात कर सकते हो और बात करके फिर से मीटिंग अपॉइंटमेंट अपना शेड्यूल कर सकते हो। अब इसमें क्या चीजें होती है कि अगर आप किसी को जानते नहीं हो, अगर आपने उनके साथ पहले से इंगेजमेंट नहीं किया है, कोई रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हुआ, तो बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ से मीटिंग मिलना। सो अगर सोशल मीडिया पे स्ट्रांग होना, अगर आपके खुद की पर्सनल ब्रांड है सोशल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया पे कॉन्टेंट खुद भी अपने क्लाइंट्स के अराउंड डालते हो, उस इंडस्ट्री के अराउंड डालते हो, सो चांसेस आर मोर कि आपको वो लोग जाने पहचाने और तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं भी दे तो एटलीस्ट वो आपके कंटेंट को कंज्यूम करे। कुछ दिन कंज्यूम करने के बाद हो सकता है वो सामने से वो उनको जब जरूरत हो तो सामने से आपको मैसेज करेंगे कि मुझे मिलना है या फिर मीटिंग फिक्स करते हैं बात करने के लिए। तो सोशल मीडिया आउटरीच हम लोग के लिए भी बहुत इफेक्टिव है कोल्ड कॉलिंग के बाद, और हो सकता है कि आपके इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। थर्ड मेथड इज लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर। वी यूज सेल्स नेविगेटर टू जनरेट न्यू अपॉइंटमेंट्स, आई मीन विद द इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड ऑल। इंडियन क्लाइंट्स के लिए तो हम ऑलमोस्ट कोल्ड कॉलिंग, क्योंकि हमको पता है उनका फोन नंबर क्या है, उनको कहाँ तक पहुँचना है, वो कहाँ रहते हैं, उसके ओनर कौन है, यहाँ पे बहुत सारे वेज हैं जहाँ से हम कोल्ड कॉलिंग करके क्लाइंट्स निकाल सकते हैं। बट सेल्स नेविगेटर मोस्टली वी यूज फॉर आर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, जहाँ से हमको डेटाज मिल सकता है, अच्छे लीड्स मिल सकते हैं और फिर हम उनको आउटरीच वहाँ पे करते हैं लिंक्डइन से। सो सेल्स नेविगेटर अगेन, यहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे जहाँ पे आप सेल्स नेविगेटर सिखा रहे हो। मैं ये वीडियो सेल्स नेविगेटर के लिए नहीं बना रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी इंडस्ट्री के और आपके क्लाइंट्स के अवतार के हिसाब से लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर भी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। ओके, वन मोर थिंग, अगर मैं सोशल मीडिया आउटरीच में ऐड करना चाहूंगा तो एक और चीज है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो है ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स। फेसबुक ग्रुप्स अगर आपकी इंडस्ट्री के अराउंड है, अब सिंपल सी बात है कि मैं जो फेसबुक ग्रुप्स में जिसमें मैं ऐड हूँ या फिर हमारी टीम ऐड है, वो कोई ऐसी टीम नहीं है कि फ्रीलांसर की टीम या सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम, ऐसे टीम नहीं है। हम लोग इंडस्ट्री बेस्ड ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, लाइक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के रिलेटेड या रिजॉर्ट के रिलेटेड या इन्फ्लुएंसर्स के रिलेटेड और ये सारे वेज से, और आई मीन नाइट लाइफ इंडस्ट्री के रिलेटेड ये सारे ग्रुप्स हम ऐड रहते हैं और हमको पता रहता है कि वहाँ पे कौन कौन से लोग कौन सा पोस्ट डालते हैं। अगर जैसे जैसे वो जो पोस्ट डालते रहते हैं हम उनके हिसाब से उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के कुछ दिन उनके कॉन्टेंट के साथ कंज्यूम आई मीन इंगेज करते हैं, फिर इंगेज करने के बाद एक कोल्ड डीएम भेजते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें सोशल मीडिया आउटरीच में भी काम करती है। अभी कमिंग बैक टू सेल्स नेविगेटर, सेल्स नेविगेटर अगेन इट्स नॉट अ फ्री टूल, इट्स अ पेड टूल और महीने का ऑलमोस्ट अराउंड 5 से 550 रुपये इस पे खर्चा होता है। सो अगर आप बिल्कुल नए हो, अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, सो आई डेफिनेटली डोंट रिकमेंड कि तुरंत जाकर सेल्स नेविगेटर पे आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आपको वहां पे क्लाइंट्स मिल भी जाएंगे सो यू डोंट हैव एनी प्रूफ, यू डोंट हैव एनी यू नो कॉन्सेप्ट टू गिव इट टू देम, आपके पास कोई केस स्टडीज भी नहीं होगा। सो लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर को कुछ दिन के लिए होल्ड पे रखो। अगर आप सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो तो आप कोल्ड कॉलिंग सोशल मीडिया आउटरीच से स्टार्ट करो और धीरे धीरे जब आपके पास कुछ क्लाइंट्स हो गए, जब आपके पास पेइंग कैपेसिटी हो गई, तो फिर आप लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर पे जाओ। फोर्थ हो गया ईमेल मार्केटिंग। ओके, टू बी फ्रैंक, अगर मैं ईमेल मार्केटिंग की बात करूँ तो मैं इंडियन ऑडियंस पे डेफिनेटली ईमेल मार्केटिंग में ट्राई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत ट्राई किया है ईमेल मार्केटिंग, इट्स नॉट वन ऑफ द इफेक्टिव वे जहाँ से मेरे को क्लाइंट्स मिलते हैं, क्योंकि डिपेंड अपॉन मेरी वो इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे लोग ईमेल्स ज़्यादा चेक करते हैं एंड ऑल दिस थिंग। या फिर आप अगेन आप अपना खुद का ईमेल खोल के देख लो, आपको वहाँ पे पता चलेगा कि प्रमोशन बॉक्स में कितने हैं, आपके प्राइमरी बॉक्स में कितने सारे मेल्स हैं जो लोग जो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो सेम अगर मेरे पास मास ईमेल मार्केटिंग करने के लिए है कि मैं 10,000 20,000 और उसमें से कुछ 1 और 2
या 10 के भी रिप्लाई आते हैं तो वो एक इफेक्टिव वे हो सकता है। बट ईमेल मार्केटिंग हम लोग ज्यादा नहीं करते, ईमेल आउटरीच हम लोग ज्यादा नहीं करते। बट अगेन आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने क्लाइंट्स के हिसाब से, आपको अगर लगता है कि ईमेल मार्केटिंग आपको काम करता है तो आप काम करो। सिंपल सी बात है, मैं एक चीज जानता हूँ, मेरे को अगर इंडियन मार्केट में काम करना है, इंडियन ऑडियंस के साथ काम करना है, इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करना है, तो एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, एंड वो है रिलेशनशिप। आदमी एक दूसरे को चेहरे से जानता है, एक दूसरे को चेहरे से पहचानता है, यहाँ पे रिलेशनशिप पे सारा ज्यादा काम होता है। रिलेशनशिप पे ज्यादा काम होता है कि आपको रेफरेंस के ज्यादा थ्रू आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं जो लोग मिलना जुलना पसंद करते हैं, ना कि हम किसी ना दूसरे को जानते ही नहीं, हमको रैंडम कोई मैसेज आया और हम काम करने लगे। मेरा अभी तक तो यही एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे सारा काम रिलेशनशिप पे चलता है, इंडिया में लोग रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू करते हैं। सो ये चीजें इसलिए काम करती है क्योंकि आपको रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकते हो। सो ये सब है कुछ मेथड जो हम लोग फॉलो करते हैं और यहाँ से क्लाइंट्स निकालते हैं। एक और मेथड है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है डायरेक्टली विजिटिंग। मैं ही बताता हूँ ये डायरेक्ट विजिटिंग मैं कब स्टार्ट किया था। ये प्री कोविड मैंने स्टार्ट किया था डायरेक्ट विजिटिंग। मैं जैसे एक एक लोकेशन पकड़ लेता हूँ, जैसे मैं मुंबई में तो एक अंधेरी में हो गया, या फिर आपको चुगू हो गया, या बांद्रा हो गया, और मैं वहाँ पे चेक करते रहता हूँ कि कौन कौन सा नया आउटलेट खुला है, या कौन से आउटलेट्स सोशल मीडिया पे जिनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही। मैं क्या करता था, मैं डायरेक्टली विजिट करता था। मैं डायरेक्टली विजिट करके वहाँ पे मैनेजर से मिलता था, और ऑफकोर्स वो कोई अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होता था, या वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे मुझे कि मैं आने वाला हूँ। बट वहाँ पे मैं जाता था, अपना कार्ड छोड़ता था, अगर एक पॉसिबल मैनेजर से मिलना हुआ, बात करना हुआ, तो कुछ कुछ बातें होती थी, नंबर एक्सचेंज करते थे, और नंबर एक्सचेंज करने के बाद फिर मैं व्हाट्सएप पे उनके साथ फॉलोअप करना स्टार्ट करता था, फिर कॉल करना फॉलोअप स्टार्ट करता था, उनको अपने रिजल्ट्स भेजता था, केस स्टडीज भेजता था, और ऐसे बहुत सारे मेरे को क्लाइंट्स मिले जो मैंने डायरेक्ट विजिटिंग से निकाला है। और आज के डेट में भी ऐसा नहीं कि अभी हम लोग मेरी सेल्स टीम डायरेक्टली विजिट करती है, बट कहीं अपॉइंटमेंट्स, सपोज अगर मेरी अपॉइंटमेंट्स है, मेरी सेल्स टीम का अपॉइंटमेंट जुहू में है, हम लोग जुहू में मीटिंग के लिए जा रहे हैं, बट उस मीटिंग के रास्ते में कितने सारे ऐसे आउटलेट्स आते हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं, जिनके पास हम तो पहुंचे नहीं है। सो एक काम करते हैं, हम लोग वो फोटो ले लेते हैं, उनका फोटो लेके उनके डिटेल्स हम लोग मोबाइल में लिख लेते हैं, और अपने सेल्स टीम को, जो कॉलिंग टीम है, उनको भेज देते हैं कि आप तुम कॉल कर सको। और कुछ कुछ ऐसे हैं जिनके वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव भी नहीं है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं है, या फिर सोशल मीडिया पे उनकी प्रोफाइल ही नहीं है। सो फिर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली विजिट कर लेते हैं, डायरेक्टली विजिट करके अपना कार्ड छोड़ते हैं, उनका नंबर लेते हैं, नंबर लेके हम फॉलोअप करना स्टार्ट करते हैं। और आज के डेट में भी ये मेथड्स काम कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि ये अभी तक हम लोग को रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं। अब अगेन मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि आप 100 तरीकों से क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हो। आप रेफरेंस के थ्रू पहुंच सकते हो, आप डायरेक्ट कॉलिंग के थ्रू पहुंच सकते हो, आप डायरेक्ट मैसेज के थ्रू पहुंच सकते हो, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, आप उनको सोशल मीडिया पे आउटरीच कर सकते हो, आप लिंक्डइन सेल्स मार्केटर यूज कर सकते हो, आप ट्विटर यूज कर सकते हो, अगेन एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। अगर आप सारे चीज ट्राई करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आप एक मेथड पकड़ो, एक दो महीना तीन महीना उसी मेथड पे काम करो, क्योंकि जो मेथड्स अगर आपके लिए काम कर रहा है, वो स्केल करना धीरे धीरे आप चालू करो। आप सारी चीजें एक साथ करोगे तो कहीं से भी रिजल्ट नहीं आएगा, बट अगर आप एक चीज को पकड़ के कंसिस्टेंट वे में अगर आप आउटरीच करते रहोगे, तो आपको चांसेस है कि आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। सो ये एक मेथड हो गया क्लाइंट्स, हाउ टू स्टार्ट अ सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी आपका सर्विस क्लियर हो चुका है, अभी आपका नीच क्लियर हो चुका है, अभी आपको आउटरीच कैसे करना है वो क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गेटिंग योर फर्स्ट क्लाइंट। अगर आपने अभी तक आपको क्लाइंट नहीं मिला तो आप फर्स्ट क्लाइंट कैसे क्लोज कर सकते हो, फर्स्ट क्लाइंट को ऑनबोर्ड कैसे लेकर आ सकते हो, उस वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, बात करो, और अगर कुछ भी है वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा है वीडियो। कोई और है आपके दिमाग में टॉपिक जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स सत्यांश श्रीवास्तव। थैंक यू।